हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ट्रेल ब्रेजर में। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और कल हमने क्या डिस्कशन किया था वो भी जान लेते हैं आज। तो कल का हमारा जो डिस्कशन था दोस्तों, कि ये लेवल जो उस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का मैंने आपको कहा था, और इसके ऊपर मार्केट अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो मैं डेफिनेटली इसके लो का ही ऐसे लगाकर यहाँ पे सी के कॉल में बैठ जाऊंगा। ये मैंने साफ साफ शब्दों में दोस्तों आपको कहा था। तो आई थिंक आपने आज अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है, और आपको अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। लगभग ये जो रैली है दोस्तों 42,950 के आसपास से लेकर 850 के आसपास की ये रैली है दोस्तों। काफ़ी अच्छी खासी रैली है आज, और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल की, कि कल क्या हो सकता है। उसके लिए पहले मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है वो हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि एक जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ मैंने की है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद में अगर वहीं पे मार्केट आता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। और आपको अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये एक ब्रेकआउट के बाद में जो रिट्रेस लेवल होता है ना दोस्तों, वो ये वो लेवल है। तो रिट्रेस मार्केट का ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ से मार्केट फिर से घूम चुका है। अगर मैं इसके हाई अगर मैं बात करूँ 1 वीक की, 1 वीक के अंदर आप देख सकते हो कि वीकली जो लेवल था रेड कैंडल का, और उसके बाद में ये जो कैंडल बनी है, यानी कि हम अभी इसके बाद की जो कैंडल बनेगी दोस्तों, वो अगर टॉप टू टॉप बनेगी तो हम मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से और भी बुलिश हो सकता है, और काफ़ी हायर हाई भी ब्रेक कर सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे लेवल्स की, जो 15 और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं। तो आज का जो ये है यहाँ पे मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, अब इस ट्रेंड लाइन का मुझे कुछ काम है नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन फेकआउट भी वो हो चुका है दोस्तों। सॉरी, 5 मिनट के अंदर मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मान लो यहाँ पे से बार बार मार्केट गिर रहा था दोस्तों, यानी ये हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस को मार्केट अच्छे से ये कर रहा था रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, उसको ब्रेकआउट दिया। लेकिन आज इसके ओआई डेटा जो आप देखते हैं ना दोस्तों, तो अपर के ओआई डेटा बहुत हाई थे, यानी लोगों ने ऊपर से सेल किया था, तो यहाँ से तुरंत सेलिंग आ गई 500 के आसपास की, और 500 से ऊपर फिर से इन्होंने 631 के आसपास का क्लोजिंग दिया है। तब हम लोग कल क्या करेंगे दोस्तों? तो कल का हमारा सिंपल सिनारियो रहने वाला है दोस्तों। आप एक नीचे से ये जो ट्रेंड लाइन आती है इसे आप ड्रॉ करके रख लेना अपने चैनल पे, अपनी चार्ट फ्रेम पे इस तरीके से ड्रॉ करके रख लेना। जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर देता तब तक हम इसमें पुट में नहीं सोचेंगे। और अगर मार्केट मान लो कल ब्रेक डाउन होगा, यानी मार्केट 500 के आसपास या इसके नीचे खुलता है, तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेस का वेट करना है। रिट्रेस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके नेगेटिव सिग्नल देता है, फिर हम यहाँ से एक सेलिंग देख सकते हैं, और हम यहाँ से सेल करेंगे दोस्तों। अगर ब्रेकआउट होता है मान लो इसका, तो ब्रेकआउट के बाद में हमें यहाँ पे एक बाइंग भी देखने को मिलेगी, और बाइंग के लेवल्स मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर बाई करेंगे हम लोग तो ये जो ऊपर के जो कैंडल्स है उसके हाई पे बाई करेंगे। अगर मार्केट इसके थोड़ा ऊपर खुलती है, अगर ट्रेंड लाइन के आसपास खुलती है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का वेट करने के बाद में हम लोग बाई कर सकते हैं। और भी जूम करके आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, कि ज़्यादा अच्छे से आपके समझ में आए दोस्तों। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास कहीं मार्केट खुलती है, या फिर यहाँ पे नीचे के आसपास खुलती है और इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। और अगर ब्रेकआउट नहीं देती है और ऊपर से मार्केट रिट्रेस मार लेती है, यानी कि हैमर बनाती है
तो हम सेल कर देंगे दोस्तों। अगर ऊपर के लेवल आपको जानने हैं तो ये जो हमारा जो देखते हैं इसको जूम आउट करके कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ हो रहा था, तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो इस लेवल को बार बार मार्केट ने टेस्ट किया है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। प्रीवियस डे दिन के अंदर आपको मैं बताऊँ तो आप देख सकते हो पहले ये सपोर्ट था, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, एक्ट कर रही थी और उसको ब्रेकडाउन होने के बाद में मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है, तो वो एक लाइन है। और दूसरी जो लाइन आ रही है हमारी यहाँ की दोस्तों, कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार टच करके नीचे आया है मार्केट, तो इस हिसाब से हमारे टारगेट रहने वाले है 43,500 के आसपास के टारगेट हमारे नेक्स्ट लेवल के रहने वाले हैं। उससे पहले हमारे हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो 42,900 के लेवल का आसपास का टारगेट रहने वाला है दोस्तों। तो आप इस लेवल को भी ड्रॉ करके रखना, और अगर मार्केट मान लो इसके नीचे ही खुलता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुलता है, तो एक बार रिट्रेस करने के लिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट को आने देना, फिर हम एक सेलिंग करेंगे। और अगर सेलिंग का SL हिट होता है यानी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम एक हमारी जो ट्रेड की पोजीशन है उसको रिवर्सल करके सी में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों मेरे 5 डेमा 20 डेमा ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो वो भी देख लेना। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है द ट्रेल ब्रेजर करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज प्रॉफिट किया है आपने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।